हरि ओम ओम मन सामर्थ्य दाता श्री अनिरुद्धाय नमः। मैं अंबज्ञ हूँ। मेरा नाम महेंद्र सिंह पांडुस्कर। मैं उपासना केंद्र बोरीली में जाता हूँ, अपने उपासना केंद्र बोरीली में जाता हूँ। मैं इंडोको रेमेडीज़ में एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करता हूँ। 99 से मैं बापू के पास आ रहा हूँ। आज मैं जो आपको अनुभव बताने जा रहा हूँ, वह अनुभव नहीं तो एक बापू की, मेरे वैभव के ऊपर, मेरे लड़के के ऊपर बापू की जो कृपा हुई है वो मुझे आपको बताना ही चाहता हूँ। मेरे वैभव, मेरे लड़के का जन्म 2 अगस्त 2010 में हुआ और दादा की का नाम रखा वैभव करके, और 12 दिन के बाद उसका नामकरण होने के बाद उसे स्पाइनल कॉर्ड में उसके पेट के ऊपर एक स्मॉल छोटी सी बॉइल था, और वो बॉइल हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसे नॉर्मली न्यूस्पोरिन पाउडर डाल के उसे ट्रीट करने के लिए बोला। उसके बाद उसका बॉडी पूरी शिवरिंग होने लगी, वो पूरा उसका बदन उसका लाल होने लगा। तब उसे तुरंत वापस हमने डॉक्टर परेल के डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने उसे तुरंत हमें उसका सीटी स्कैन करने के लिए बोला, और सीटी स्कैन करने ऐसा दिखाई पड़ा कि उसके मगज में पानी जमा हुआ और उसका इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस बोलते हैं उसे ही उसके आगे केस चली गई थी। और डॉक्टर ने हमें तुरंत उसे मसीना हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए बोला, और एडमिट करने के बाद हमने वहाँ डॉक्टर बियाने करके न्यूरो सर्जन आए। वो न्यूरो सर्जन ने हमें उसका मगज में से पानी निकालने के लिए कहा और उसका टेस्ट करने के लिए बताया, और उस टेस्ट में उसका प्रोटीन लेवल से लेके शुगर लेवल से लेके सब नॉर्मल लेवल से 3 गुना ज़्यादा ही थे। वो इतना इन्फेक्शन बढ़ गया था कि डॉक्टर ने हमें जो कुछ बताया वो कहने के वो कह भी नहीं सकता हूँ, इतना बड़ा इन्फेक्शन हुआ था। और उस इन्फेक्शन के वजह से डॉक्टर ने हमें बताया कि ये चांसेस ऑफ एबनॉर्मलिटी, जिसे लड़का नॉर्मल हो सकता है वैसे हमने हो जाएगा, ये हमें बताया। हमें पहली बार मैं इतना रो गया कि मैं कुछ भी, हमें डॉक्टर ने इतना बताया कि बहुत कुछ चीज़ें बताया कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होने वाला आगे, कि हम इसे बता भी नहीं सकते, इतना इन्फेक्शन बढ़ गया था और वो पूरा बॉडी में बदल गया था। और तभी रोते रोते ही मैंने दादा ने पहले नीलम परेलकर को फ़ोन लगाया कि ऐसे ऐसे हुआ है और डॉक्टर ने हमें इतना इतना इन्फेक्शन बढ़ गया है और इससे एक ही चांस है कि इन्फेक्शन कम हो और ऑपरेशन किया जाएगा। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ भी रास्ता ही नहीं था, कि डॉक्टर ने सब कुछ क्लियर हमें बताया था कि अभी कोई भी चांस नहीं था। तो ऐसे ही डॉक्टर दादा के पास मैं आया, दादा को मैंने रोते रोते ही ये सब कुछ जो कुछ हुआ है मैंने बताया। तब मुझे दादा ने अशुभनाशिनी स्तवनम और हनुमान चालीसा का पठन करने के लिए बोला और माता चंडिका के प्रार्थना करने के लिए बताया कि जो कुछ हो वो उचित हो जाए, ऐसे मुझे दादा ने बताया। और हमने इसे ऑपरेशन करने के पहले हमें मसीना हॉस्पिटल में हमने इसे एडमिट किया था, पर मसीना हॉस्पिटल में हमें इतना खर्चा होने वाला था कि उसका कुछ ये नहीं था। तो डॉक्टर जो बिया नहीं करके थे उन्होंने हमें कहा कि उसे हम वाड़िया हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, वहाँ उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब हमने उसे तुरंत कि दूसरे तीसरे दिन हमने उसे वापस वाड़िया हॉस्पिटल में एडमिट किया और वहाँ डॉक्टर देख रहे थे कि उसका इन्फेक्शन कम हो जाए, जैसे उसे ऑपरेशन का नौबत नहीं आ सकती है। तो इन्फेक्शन उसका बढ़ता ही रहा था, कम होने के कोई भी चांसेस नहीं थे। और एक ही बाद में दादा ने मुझे बताया था कि माता चंडिका के जो कुछ हो वो उचित हो जाए, और उसी हिसाब से हमने बापू के ऊपर विश्वास रखे, मैंने उनको ऑपरेशन करने की परमिशन दी थी। और ये पूरा हमने वाड़िया हॉस्पिटल में तुरंत
कम से कम हमने वो ऑपरेशन टालने के लिए कम से कम 15-20 दिन वो वेट कर रहे थे और लास्ट में मैंने ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में होने के बाद ऑपरेशन तो हुआ पर अभी एक टेंशन इतना था कि अभी डॉक्टर ने हमें जो कुछ बताया था कि लड़के के आगे के जो डेवलपमेंट है उसकी जो प्रगति है उसका क्या असर होने वाला है यह हमने डॉक्टर ने पहले ही बताया हुआ था कि और मुझे एक पिता करके मुझे एक ही इच्छा थी कि बाबा एटलीस्ट वो लड़का मेरा बोल सके खेल सके ये मेरी इच्छा थी। बाकी कुछ नहीं था क्योंकि डॉक्टर ने सब कुछ इन्फेक्शन तो बताया था क्या होने वाला पर बोलना चलना तो होना चाहिए ये मेरी इच्छा थी। और उस हिसाब से डॉक्टर ने मुझे एडमिट करके रखा। हमने ये वाड़िया हॉस्पिटल में कम से कम एक महीना हमने एक से डेढ़ महीना हमने वाड़िया हॉस्पिटल में निकाले पर इन्फेक्शन कुछ भी कम नहीं हो रहा था। इन्फेक्शन के चांसेस ऑपरेशन तो किया पर ऑपरेशन करने के बाद भी इन्फेक्शन कम नहीं हुआ। और उसे जो इंजेक्शन चालू था उस छोटे लड़के के 10-12 दिन के एक महीने के भी नहीं लड़का था उसके जो ट्रीटमेंट चालू थी वो सिर्फ मेरोबेनम करके एंटीबायोटिक है वही लास्ट एंटीबायोटिक है जो बड़ों को भी लास्ट इसमें दिया जाता है कि बाबा ये एंटीबायोटिक में लास्ट है वो उसे बचपन में 12 दिन के बाद वो चालू था इन्फेक्शन के लिए। वो भी सुबह रात शाम तीनों टाइम जो इन्फेक्शन कम होने के लिए चालू था पर वो इन्फेक्शन देने के बावजूद भी उसका इन्फेक्शन कम नहीं हो रहा था। उसका इन्फेक्शन कुछ भी कम नहीं हुआ और डॉक्टर ने क्योंकि उसके ऐसा टाइम आ गया कि वो पूरे बॉडी के जो नस है जिस नस से आईवी थ्रू इंजेक्शन दिया जाता है वो आईवी के नसें भी पूरी उसकी ख़त्म हो गई थी पूरी मर गई थी कि जो आप डॉक्टर दे भी नहीं सकते थे वो इंजेक्शन। और इसलिए डॉक्टर ने हमें बताया कि अभी हम ट्रीटमेंट को रुकवा देते हैं और फिजियोथेरापी हम चालू करेंगे पर अभी आप हम यहाँ से वाड़िया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लीजिए। उस वाड़िया हॉस्पिटल में इतने दिन खराब थे कि उस माँ ने भी जो हालत देखी थी कि और सुबह रात शाम जो रोता था आईवी के लिए वो हम देख भी नहीं सकते थे और वो ही था चाह रहा था कि इसको डिस्चार्ज देना ही चाहिए अभी। और हमने तुरंत वहाँ से एक महीने के डेढ़ महीने के बाद हमने डिस्चार्ज लिया और उसे फिजियोथेरापी हमें चालू करने वाले थे पर डॉक्टर ने हमें सजेशन दिया था कि बड़ी न्यूरोलॉजिस्ट है अनायता हेगड़े उनके पास ट्रीटमेंट चालू किया जाए। बाद में हम वहाँ डॉक्टर अनायता हेगड़े जो न्यूरोलॉजिस्ट है उनके पास हम लेके गए। उन्होंने देखा सब रिपोर्ट देखा उन्होंने और उन्हें सब रिपोर्ट देखे उन्होंने देख जो इन्फेक्शन का प्रमाण था प्रोटीन लेवल का शुगर लेवल था शुगर लेवल तो 20 के आसपास थी वो जो देखे वो भी हैरान हुई और उसने बोला कि नहीं ट्रीटमेंट वापस चालू करनी चाहिए। और अभी तो उसकी ऐसी हालत थी कि बॉडी की पूरी नस भी नहीं काम कर रही थी डिस्चार्ज भी लिया था तो डॉक्टर ने हमें एक सलाह दी कि तुम घर पे जाके आईवी घर पे जाके आसपास के नज़दीक के हॉस्पिटल में जाके आप ट्रीटमेंट चालू कीजिए और इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक वही एंटीबायोटिक चालू कीजिए। वही एंटीबायोटिक हमने देना वापस शुरू किया उस लड़के के ऊपर पर उसका इन्फेक्शन कम ही नहीं हो रहा था और डॉक्टर वहाँ भी हार गए कि अभी डॉक्टर पवन सुरेखा करके बोरेली में डॉक्टर है उनके पास हमने ट्रीटमेंट चालू की। उन्होंने कहा कि अभी मैं आईवी दे नहीं सकता हूँ यहाँ से आप उसे तुरंत दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाइए। अभी हमने कुछ भी डॉक्टर को बताया कि ट्रीटमेंट तो चालू रखनी है इसके बॉडी के ऊपर एक भी नस काम नहीं कर रही है फिर भी हमने डॉक्टर ने कहा है इसे दूसरे हॉस्पिटल में लेके चाहिए तो हमने इसे कोकिलाबेन हॉस्पिटल में लेके जाने का डिसीजन लिया क्योंकि वाड़िया हॉस्पिटल में के वो जिन लेके नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ का जो वातावरण था वो हम सहन नहीं कर सकते मेरी वाइफ भी वो सहन कर नहीं सकती थी तो हमने उसे कोकिलाबेन हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया। वहाँ उसकी ट्रीटमेंट एक महीने तक कम से कम चली। वहाँ भी उसे जो ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन था वो एक ही चालू था मेरोबेनम। उसका वैभव का ये टाइम पे कम से कम 2-3 बार सीटी स्कैन हुआ है उसका एमआरआई हुआ है वो एमआरआई झेलने की ताकत मेरी बापू ने उसे दी है। और उस कोकिलाबेन में भी उसका एमआरआई किया वहाँ भी उसका एंटीबायोटिक चालू था। और वहाँ जो डॉक्टर ने उसके एक इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट थी जिस टेस्ट के लिए मैं भी इसका ये था मुझे मन में बहुत डर था कि वो टेस्ट उसकी पास हो जाए जो डॉक्टर ने हमें वाड़िया हॉस्पिटल में ही बताया था कि ये
वहाँ आने के बाद उनको टेस्ट करनी है, फिजियोथेरेपी करनी है, और बेरा करके टेस्ट है जिससे पता चलता है कि हमें लड़का ब्लाइंड है क्या, उसे ईयर से कुछ कान में सुनाई देता है कि नहीं, वो देख सकता है कि नहीं, वो आगे कुछ हिलचल कर सकता है कि नहीं। वो बेरा करके जो टेस्ट है वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट थी, और वो टेस्ट का करने का टाइम कोकिला बन में हमारा आया था। और बापू की कृपा से, और किसी बापू, मेरी नंदा जी, मेरे चंडिका कुल, चंडिका माता और हनुमान चालीसा, और चंडिका कुल मेरे लड़के के पीछे था, और वो बेरा टेस्ट बापू के कृपा से, दादा के कृपा से, वो बेरा टेस्ट पूरी तरह नॉर्मल आ गई। और वो सबसे बड़ी उसकी आगे की जो लड़ाई थी वो पूरी उसने जीत ली थी, मेरे बापू ने उसे ये जीतवा ली थी, और बेरा टेस्ट उसने पूरा नॉर्मल पास किया। और ये बेरा टेस्ट पास होने के बाद अभी एक ही टेस्ट बाकी थी कि डॉक्टर ने वहाँ एक महीना, वहाँ भी एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि इतने पूरा एक डेढ़ दो महीने में वो लड़का कितना भी सीरियस नहीं हुआ था, वो कोकिलाबेन में सीरियस हुआ, क्योंकि उसके पूरे बॉडी में जो नस आई वी थ्रू जो इंजेक्शन चाह रहा था वो पूरी नस उसकी खत्म हो गई थी, और डॉक्टर ने उसे लास्ट ट्रीटमेंट आगे पैर से और मगज में से आई वी देंगे, और वो टेस्ट करते वक्त वो उसे निमोनिया हो गया था। और वहाँ भी हमें बापू ही उसके पीछे खड़े रहे और उसका निमोनिया भी उसका नॉर्मल किया बापू ने। और पूरे एक बताने की चीज़ है कि पूरे इतने हॉस्पिटल में वैभव इतना एक ही लड़का ऐसा था कि वो बहुत ही सीरियस था बाकी के लड़कों के क्रम से, पर डॉक्टर हमेशा बोलते थे कि आपका ये लड़का ऐसा है कि पूरे हॉस्पिटल में वो हंसता है, वो कृपा, वो इतनी ताकत, उसकी क्षमता, वो मेरे बापू ने, मेरे दंदाई ने, मेरे सुचित दादा ने, चंडिका माता ने और हनुमान ने उसे दी है। और वहाँ से हमने डिस्चार्ज लिया, और उसकी और एक लड़ाई थी जो डॉक्टर ने हमें बताया था, क्योंकि उसके स्पाइनल कॉर्ड से भी पानी निकल रहा, दो तीन बार निकला था, तो डॉक्टर ने उसके बताया था कि जो फिजियोथेरेपी थी, और डॉक्टर ने कि फिजियोथेरेपी भी अभी उसकी चलने की और ये थी कि अभी वो लड़का कैसे चलेगा, क्योंकि उसकी इतनी बार इतना वीकनेस था कि पैर में भी ताकत नहीं थी, हाथ में भी नहीं थी, तो कैसे चलेगा। और वो फिजियोथेरेपी के लिए कम से कम उसे दो साल लगे, एक डेढ़ साल दो साल लगे, और वो आज बापू की कृपा से, मेरे नंदाई की कृपा से, मेरे चंडिका माता से, हनुमान से, वो आज चल रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है। और उसने जो पहला शब्द उच्चार लिया जो लड़का लेता है वो मेरे दादा का ही था, और उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं थी। और मुझे एक ही प्रार्थना है कि ये जो उसका आगे का है, बापू की कृपा इसने दी है, वो हमेशा रहे। मैंने अभी जो अनुभव बताया वो मेरी वाइफ मधुरा वीरा पांडलोस्कर और मेरा लड़का वैभव सिंह पांडलोस्कर। हरि ओम अम्बद्यम।